हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसका फेसलिफ्ट जो है लॉन्च हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे इससे सभी डिटेल्स के बारे में कि हमें इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, इसके एक्सटीरियर में, इसके इंटीरियर में, इसकी पावर स्पेसिफिकेशन में, इसके इंजन में, और क्या क्या इसमें फीचर्स ऐड किए गए हैं। काफ़ी समय से इस गाड़ी के जो रूमर्स आ रहे थे, डिटेल्स आ रही थी कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, डिज़ाइन जो है इंडोनेशिया वाला मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा चेंज वो किया गया है, बट बाकी जो फीचर्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। बात करेंगे सबसे पहले इसके एक्सटीरियर के बारे में। तो एक्सटीरियर से फ्रंट से बात करें तो ऑल न्यू इसमें बॉक्सी लुक क्रिएट किया गया है। पहले क्या था कि ऑल राउंड शेप हमें देखने को मिलती थी, बट इस पर हमें बॉक्सी लुक देखने को मिलती है। फ्रंट में हमें इसका बड़ा सा हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है, उसके साथ हमें इसमें कनेक्टेड प्रोजेक्टेड हेडलाइट्स देखने को मिल रहे हैं, वहीं हमें इंडिकेटर्स, इसके स्लाइडर इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ जो एलईडी सेटअप है इसका थोड़ा सा नीचे रखा गया है, और इसके जो फॉग लैंप्स है वो इस बार नहीं दिए गए हैं, क्योंकि उसकी साइज जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो इसके हेडलैंप्स है वही काफी नीचे प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो ऑलरेडी काफी अच्छी है, ट्रिपल लाइट का आपको सेट देखने को मिल जाता है। उसके बीच में एक बड़ी सी ग्रिल प्रोवाइड की गई है। अगर बोनेट की बात करें तो बोनेट में आपको कैरेक्टरिस्टिक लाइंस जो है प्रोवाइड की गई है, जिससे कि जो लुक्स है वो काफी अच्छी आ रही है। ओवरऑल इसकी फ्रंट से अगर बात किया तो फ्रंट से एक बॉक्सी लुक आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्पोर्टी लगती है, ऑल न्यू बम्पर डिजाइन के साथ हमें देखने को मिलती है। बात करें इसके रियर की, तो रियर में भी आपको कनेक्टेड जो टेल लैंप्स है वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जो हुंडई का लोगो है वो इस बार इसकी स्लाइड के पीछे जो आपको दिया गया है, जैसे कि हमें वर्ना में देखने को मिलता है, तो कुछ वैसा आपको प्रोवाइड किया गया है। नीचे आपको 360 पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है, फ्रंट में भी आपको पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है, और नीचे आप एडास रडार सिस्टम जो है फ्रंट में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि लेवल 2 है इसमें दिया जा रहा है। इसमें आपको ऊपर मिरर में भी वो देखने को मिलता है, और नीचे भी आपको देखने को मिल रहा है। फ्रंट और रियर दोनों में ही रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। साइड व्यू की बात की जाए तो साइड व्यू में आपको ऑल न्यू डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत सारे अच्छे लग रहे हैं। फुली ऑटोमेटिक ओआरवीएम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 360 पार्किंग कैमरा इसमें मिली रहा है, तो वो कैमरा भी यहाँ प्रोवाइड किया गया है। पार्किंग सेंसर इसके 4 आगे और 4 पीछे में देखने को मिल रहे हैं। ऊपर की ओर हमें सिल्वर रेलिंग देने को मिलते हैं, और उसके साथ हमें पैनोरमिक सनरूफ इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। इंटीरियर की बात करें तो ये ऑल न्यू इंटीरियर हमें इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें हमें फुली कनेक्टेड जो है डिस्प्ले देने को मिलती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड डिस्प्ले क्लस्टर कनेक्टेड स्क्रीन हमें देखने को मिलती है। डैशबोर्ड को जो है थोड़ा सा छोटा किया गया, नीचे किया गया, जिससे कि विजिबिलिटी है और ज्यादा बेटर हो गई है। शॉर्ट हाइट वालों के लिए विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी इस गाड़ी में, जो कि वो बड़ी इजीली चला सकेंगे। ऑल न्यू स्टीयरिंग व्हील हमें देखने को मिलता है, फुली लेदर डिजाइन और हैंड स्टिच जो है स्टीयरिंग व्हील हमें देखने को मिल रहा है। ऑल न्यू स्पोर्टेड ड्यूल डाउन स्पॉक क्लस्टर हमें इस गाड़ी में प्रोवाइड किया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स हमें इस गाड़ी में देने को मिल जाती है। जो स्टीयरिंग व्हील है उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको दोनों एडजस्टमेंट देने को मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल, एडास कंट्रोल एंड वॉल्यूम कंट्रोल आपको जो है इसके स्टीयरिंग व्हील में देने को मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का स्विच आपको साइड में इसकी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस फील देने वाली ये गाड़ी आपको बहुत ज्यादा स्पेशियस भी देखने को मिल रही है। गियर्स की बात की तो इसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन देने को मिल रहा है, वायरलेस चार्जिंग आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड की गई है, और जो एसी वेंट्स है वो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एसी कंट्रोल्स आपको वैसे तो ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, बट आप दोनों साइड इसकी ड्राइवर एंड दूसरी साइड में आपको दोनों को टेम्परेचर को अलग अलग से जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर आपको दूसरी साइड में अलग मतलब कम जो एयर चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको दोनों तरफ काफी अच्छे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसकी एयर कंडीशनिंग को लेकर फुली इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स आपको देखने को मिलती है फ्रंट में, एंड रियर में भी आपको रिक्लाइनेबल जो सीट्स देखने को मिलती है, जिसको आप 2-3 स्टेप्स में एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। थाई सपोर्ट आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है इसकी फ्रंट सीट्स में भी, रियर सीट्स में भी, एंड लेग रूम भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको टाइप सी चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। हेड रूम भी काफी अच्छा इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है, और पैनोरमिक सनरूफ के साथ साथ इसमें आपको काफी अच्छी फील आती है, काफी अच्छी लाइटिंग सपोर्ट इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है, एंड जो इसका इंटीरियर आपको ड्यूअल टोन देखने को मिलता है, जो कि ब्लैक एंड बीच कलर में प्रोवाइड किया जा रहा है। लेदर फिनिश के साथ आपको डैशबोर्ड में इसके डोर्स में लेदर फिनिश मिल जाती है इसके हैंडरेस्ट के ऊपर, एंड आपको साइड में जो है हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है। सेंटर में हैंडरेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है इसके ड्राइवर के लिए, जो कि एडजस्टेबल नहीं है बट काफी कंफर्टेबल है, और उसके नीचे भी आपको स्पेस मिल जाती है, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, साथ में आपको कप होल्डर्स भी इस गाड़ी में देने को मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम की बात की जाए, इसमें आपको बॉस का म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। पीछे डिग्गी की अगर बात करें तो डिग्गी में भी आपको इसका वूफर देखने को मिलता है, जिससे काफी अच्छा साउंड सिस्टम देखने को मिलता है। डिग्गी की बात कर ही रहे हैं तो इसके हम बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, तो इसमें बूट स्पेस आपको काफी अच्छा देने को मिल रहा है। 420 लीटर का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा लगता है, आप बहुत ही आसानी से काफी अपना सामान इस गाड़ी में रख सकते हैं। ओवरऑल इस गाड़ी की बात की जाए तो काफी प्रीमियम लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड की गई है, काफी ज्यादा चेंजेस इसमें गाड़ी में किए गए हैं, इसके इंटीरियर को लेकर, इसके एक्सटीरियर को लेकर काफी ही प्रीमियम फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसके सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां आ रही थी वो
सभी जो है काफी ज्यादा फीचरिस्टिक हो चुकी थी, बट उनको टक्कर देने वाली अब ये गाड़ी हुंडई की तरफ से लॉन्च हो चुकी है। अब बात करें इसके इंजन के बारे में, इसके में इंजन में क्या क्या चेंजेस देने को मिल रहा है और क्या क्या न्यू देने को मिल रहा है। इसमें आपको 1500cc का हाइब्रिड इंजन देने को मिल रहा है जो की 160 bhp की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा और 330 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये इंजन काफी ज्यादा रिफाइंड है। अगर आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं आपको जरा सा भी महसूस नहीं होगा कि गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल भी नॉइस इस इंजन की आपको गाड़ी के अंदर महसूस नहीं होगी। सो ये था एक ओवरऑल रिव्यू। लाइव गाड़ी का रिव्यू भी अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको इस गाड़ी का जो फुल डिटेल्स है वो गाड़ी की देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप हमारी अगली वीडियो में।